नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखते हैं गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म पुष्पा से ये गीत है श्रीवल्ली, इसे गाया है जावेद अली साहब ने, म्यूजिक रकीब आलम और लिरिक्स देवी श्री प्रसाद। गाना जो है ई मेजर में है और मैं मोस्टली ओपन कॉर्ड्स में बजाऊंगा, लेकिन अगर आप ई मेजर में ना बजा पाए तो केपो को सेकंड फ्रेट में लगा के डी मेजर में बजा सकते हैं। मैं बजाते वक्त आपको सारे कॉर्ड स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और लेसन के एंड में हम कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न को डिटेल में समझने की जरूर कोशिश करेंगे। गाने के स्केल में, गाने के कॉर्ड्स में कुछ खास बातें हैं और लेसन के एंड में भी हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आइए देखें श्रीवल्ली। देखिए गाना में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना ई मेजर में है, अगर आप ई मेजर बजाना चाहें तो ई मेजर, ए मेजर, डी मेजर और इसके अलावा बी मेजर भी है, आप इसे चाहें तो यू भी बजा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक दो कॉर्ड्स और यूज किए हैं, ई सेवेंथ, ई सस्पेंडेड फोर्थ और जी मेजर। और अगर आप सारे ही ओपन कॉर्ड्स में बजाना चाहें तो केपो को सेकंड फ्रेट पे लगाएं और ई मेजर की जगह डी मेजर में जाए, यानी ई मेजर की जगह डी मेजर, ए मेजर की जगह जी मेजर, बी मेजर की जगह ए मेजर और डी मेजर की जगह सी मेजर। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लें। मैंने दो पैटर्न यूज किए हैं इस गाने में। सबसे पहला पैटर्न ये रहा, इसको धीरे धीरे बजा के दिखाता हूं। और दूसरा पैटर्न ये रहा, आज के लेसन की खास बात यह है कि इस गाने में दो मोड्स यूज किए गए हैं। एक तो आपका डायटोनिक मेजर स्केल जो कि आयोनियन मोड भी कहलाता है, जिसमें कि सारे स्वर शुद्ध होते हैं, और दूसरा है मिक्सोलिडियन मोड, जिसमें वही नोट्स होते हैं जो खमाज राग में होते हैं, यानी कि नी,
कोमल यूज किया जाता है। तो गाने में चूंकि नी शुद्ध और कोमल दोनों यूज किए गए हैं, इसलिए आप देखेंगे कि गाने में डी मेजर कॉर्ड भी है और बी मेजर कॉर्ड भी है। तो अगर आप ई मेजर स्केल को ध्यान से देखें, उसमें नोट्स होते हैं ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई, यानी कि सारे स्वर शुद्ध होते हैं। अगर आप इसी स्केल को मिक्स लिडियन मोड में लेके चलें तो आपके सारे नोट्स वही रहेंगे, सिर्फ डी शार्प की जगह नोट डी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध नी की जगह कोमल नी हो जाएगा। तो जब भी गाने के मेलोडी में शुद्ध नी का प्रयोग होता है, और गाना अगर मान लीजिए मेजर स्केल में है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो फिफ्थ नोट है, जिसे हम डोमिनेंट नोट कहते हैं या पंचम कह लें, उस पर हम एक मेजर कॉर्ड बजा सकेंगे। यानी कि अगर इस गाने को आप देखें तो ये गाना ई मेजर में है, यानी कि जो फिफ्थ नोट है, जिसे हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में पा भी कहते हैं, वो इस स्केल में बी नोट है। और जब आप बी मेजर बजाते हैं तो उसमें नोट्स होते हैं बी, डी शार्प और एफ शार्प। जब भी गाना मिक्सोलिडियन मोड में शिफ्ट हो जाता है, तब वहां पर जो है डी शार्प की जगह डी नोट का इस्तेमाल होता है। तो जहां डी नोट का इस्तेमाल वहां वहां पर आप बी मेजर कॉर्ड नहीं बजा सकते हैं, बी माइनर बजा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जनरली जो गाने इस मोड पे बने होते हैं उसमें जो है कोमल नी पर जो है एक मेजर कॉर्ड यूज किया गया होगा। ऐसे बहुत से गाने बने हैं जो कि मिक्सोलिडियन मोड पर बेस्ड हैं, और उन पर मैंने बहुत से लेसन पोस्ट किए हैं। मैं आपको उन लेसन के लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरफ अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।